क्वेश्चन नंबर 16 वी आर हैविंग इफ ओ बी द ऑरिजिन इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर बच्चे यू कैन आस्क अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 16 वी आर हैविंग इफ ओ बी द ऑरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी 1 2 एंड -3 हमें ओ ऑरिजिन गिवन है और एक पॉइंट पी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 -3 गिवन है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी ओ जो है दैट इज द ऑरिजिन और पी जो है हमें पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1 2 एंड -3 अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें इससे पास करता हुआ प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू ओ पी तो अगर ये प्लेन है तो प्लेन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ पी इट मीन्स कि जो आपका अब प्लेन है उसका जो नॉर्मल है दैट विल बी पैरेलल टू ओ पी क्योंकि हमें पता है नॉर्मल जो है टू द प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर इस तरीके से होता है तो अगर ये जो है आपको प्लेन के परपेंडिकुलर गिवन है ओ पी तो इट मीन्स ओ पी जो है दैट विल बी पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन अब प्लेन के ऊपर हमें एक पॉइंट पी गिवन है 1 2 एंड -3 और हमें क्या करना है प्लेन की जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इट मींस हम प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन जो है वो ओपी के डायरेक्शन रेशियो के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी हम पहले निकाल लेंगे दैट विल बी गिवन बाय x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x1 y1 जो है वो हमें गिवन है दिस इज योर x1 y1 z1 एंड दिस इज योर x2 y2 एंड z2 अब x2 माइनस x1 दैट इज 1 देन 2 एंड -3 सेम जो है वो आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे और पॉइंट हमें गिवन है कि प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड -3 तो सेम डायरेक्शन रेशियोज हैं सेम पॉइंट्स हैं जहां से वो पास कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन अब प्लेन की इक्वेशन इस जो है ये डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के हैं और इस पॉइंट से पास कर रही है तो दैट इज गिवन बाय a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 अब प्लेन के केस में ये x2 y2 z2 जो है दीज आर द जो है आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग तो x1 y1 z1 अब इस केस में आपने ये वाला नहीं लेना है ये हमने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी निकालने के लिए किया था अब इस केस में जो x1 y1 z1 है दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू व्हिच द प्लेन इज पासिंग तो यू विल टेक देम एज 1 2 एंड 3 डायरेक्शन रेशियोज भी सेम है 1 2 एंड -3 नॉट 3 सो दिस विल बी x माइनस 1 प्लस 2 इनटू y माइनस 2 माइनस 3 इनटू z माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 3 इक्वल टू 0 सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर सो दिस इज एक्स माइनस 1 प्लस 2 वाई माइनस 4 माइनस 3 जेड माइनस 9 इक्वल टू 0 सो दिस इज एक्स प्लस 2 वाई माइनस 3 जेड माइनस 14 इज इक्वल टू 0 सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 16 अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है 17 करना है इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है जो दो गिवन प्लेन्स के जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और एक जो थर्ड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है
तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जब भी हम लेते हैं कि एक रिक्वायर्ड प्लेन निकालना है हमने, तो वी यूज टू टेक इट एज P1 + λ × P2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जो हमारी प्लेन है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म P1 + λ × P2। यहाँ पे हमें प्लेन की वेक्टर इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दैट टू द कार्टीजियन इक्वेशन। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर डॉट। दिस इज द फर्स्ट प्लेन गिवन टू अस, i + 2j + 3k - 4 = 0। सेकेंड प्लेन, दिस इज आर डॉट 2i + j - k + 5 = 0। एंड बोथ ऑफ दीज प्लेन्स जिनके मतलब जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है दैट इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर डॉट 5i + 3j - 6k + 8 = 0। अब देखो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं तो प्लेन विल बी ऑफ द फॉर्म P1 + λ × P2 = 0। तो यहाँ से आपको पता है आर डॉट एंड दीज आर द यू कैन से दिस इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो यहाँ से हम प्लेन की इक्वेशन XYZ की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1, 2, 3 आर इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड 2, 1 - 1 आर इट्स डायरेक्शन रेशियो। तो फर्स्ट प्लेन हमारा बनेगा X + 2Y + 3Z - 4 + λ × 2X + Y - Z + 5 = 0। जब हमने वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आपका जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके जो आपके ये हैं डायरेक्शन रेशियोज उनको XYZ से मल्टीप्लाई कर दो। जो आपको यहाँ पे डी गिवन है वो एज इट इज ले लो, तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है। सेम वे में यहाँ पे 2, 1 एंड -1 थे तो इनको XYZ से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज 2X + Y - Z + 5 ये वाला एज इट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। और उसके लिए हमें पता है दैट इज P1 + λ × P2 = 0। तो ये P1 + λ × P2 = 0 हो गया हमारा। अब क्या करना है हमने, अब हमें वो क्या कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो जब दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर मीन्स देयर नॉर्मल्स विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर। ये मेरा फर्स्ट प्लेन है और ये अगर मैं सेकेंड प्लेन ले रही हूँ, तो अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो नॉर्मल्स हैं दे विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर। तो इनके नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज जो है कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 0। तो हमने क्या करना है, अब इनके पहले इसको XYZ कॉमन लेके लिख लेंगे, फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज और उसके डायरेक्शन रेशियोज जो थर्ड वाला प्लेन है जिसके वो परपेंडिकुलर गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 1 + 2λ × X + 2 + λ × Y + 3 - हो जाएगा ये -λ × Z - 4 + 5λ = 0। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट आर 1 + 2λ, 2 + λ, एंड 3 - λ। और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दीज आर 5, 3 एंड -6। अब इसको मैं प्लेन 3 ले लेती हूँ, इसको मैं प्लेन 1 ले लेती हूँ। तो प्लेन 1 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 3। देयरफॉर a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। सो 1 + 2λ × 5 + 2 + λ × 3 + 3 - λ × -6 = 0। सिंप्लीफाई करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा।
यहाँ से लैम्डा आ जाएगा आपका 7/90। लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/90। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देनी है एंड सिंप्लीफाई करके वी विल गेट आवर आंसर। So this you will complete yourself. Put this lambda equal to 7/19 in equation 1. Simplify kar loge isme put karke and you will get the answer. So if any doubt is there, you can unmute yourself and ask your doubt. Otherwise, moving on to the next question. Question number 18. This is again an important question. Question number 18 mein wo keh raha hai ki find the distance of the point -1, -5, -10. Ek point hume given hai -1, -5, or -10. और इसका हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन हमें गिवन है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और प्लेन का, उस पॉइंट से एक और हमें पॉइंट गिवन है, दैट इज -1, -5, and -10। वो डिस्टेंस हमने निकालना है। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड आउट द point of intersection of the line as well as the plane. So this is the point given to us -1, -5, -10. इस point का distance निकालना है हमने from a point which is the point of intersection of the plane as well as the line. Line जो है हमें given है r is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap plus lambda times 3i cap plus 4j cap plus 2k cap. ये हमें line given है। अब वो कह रहे हैं कि ये लाइन और प्लेन कौन सा है, आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। अब इसको ध्यान से देखना, स्टेटमेंट पहले समझ लो दोबारा से। मुझे ये पॉइंट लेट अस सपोज पी गिवन है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट क्यू से, और Q कौन सा पॉइंट है, Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। अब यहाँ पे क्योंकि एक लाइन जो है वो प्लेन से इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन जब आपकी प्लेन से इंटरसेक्ट करेगी तो इस तरीके से, तो ये जो है ये पॉइंट जो आपका आ रहा है यहाँ पे, आई एम जस्ट शोइंग इट ओवर हियर, तो ये जो व्हाइट डॉट से मैंने शो किया है, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास, जब इस तरीके से प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनती है। बट यहाँ पे क्या है, लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वी विल बी हैविंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लाइन जो है एज्यूम कर लेंगे कि वो क्यू जो है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, क्यू से पास कर रही है, और क्योंकि वो पॉइंट जो है आपका प्लेन पे भी लाई कर रहा है तो वो उसकी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। मुझे अभी वेक्टर इक्वेशन गिवन है लाइन की, आई विल राइट इट इन द कार्टीजियन फॉर्म। कार्टीजियन फॉर्म में लिखने के लिए यू नो दैट x - x1/this y - y1/this डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं, z - z1/c। अब लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो दीज आर 2, -1 and 2, और लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट आर 3, 4 and 2। तो लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, लाइन की इक्वेशन, अब ध्यान देना यहाँ पे जब हम इसको लेके चलेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि 2, -1 और 2 से पास कर रही है तो यहाँ साइंस उल्टी हो जाएंगे, दिस विल बी -2, ये +1 हो जाएगा एंड दिस विल बी -2, और पॉइंट्स क्या है 3, 4, 2,
थ्री फोर एंड टू। अब लाइन के ऊपर जब भी हमने कोई पॉइंट निकालना होता है उसको हम सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं और इक्वल टू सम कांस्टेंट हम इसको पुट करते हैं। हमें ये पता है कि जब कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन हमें इस तरीके से गिवन है तो दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास जो है लाइन का एक पॉइंट आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो एक्स माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू लैम्डा, y प्लस 1/4 इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस 2/2 इक्वल टू लैम्डा। तीनों को इंडिविजुअली हमने इक्वल टू लैम्डा पुट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी, वो हम प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे और लैम्डा आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों जो है ये पॉइंट Q जो है दोनों के लिए कह सकते हो आप कि प्लेन पे भी लाई कर रहा है और लाइन पर भी लाई कर रहा है। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, y इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। अब ये x y z पॉइंट लाइन पे था, ये वाला हो गया। नाउ दिस लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो, क्योंकि ये प्लेन पे लाई कर रहा है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑल्सो। प्लेन की इक्वेशन को भी मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख लूंगी, 1 माइनस 1 एंड 1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। तो प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0, या इक्वल टू 5 भी रहने दोगे, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। अब दीज आर द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लाइज ऑन लाइन। तो या ऐसे कर लो, इसको एज्यूम कर लो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, या लाइज ऑन प्लेन एज वेल एज लाइन। सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आ जाएगा हमारे पास एक्स की जगह 3 लैम्डा प्लस 2, अब हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो एक्स की जगह 3 लैम्डा प्लस 2, वाई की जगह -4 लैम्डा प्लस 1 एंड जेड की जगह आप लिख लोगे 2 लैम्डा प्लस 2 -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया मेरे पास 3 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, दैट इज लैम्डा। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 -5 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। यानी कि जो इक्वल टू मैं ले रही हूँ यहाँ पे कांस्टेंट, तो दैट इज इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू आ जाएगी -1, जेड की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि 2, 1 एंड -2। ये मेरे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2, 1 एंड -2 से वो पास कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड दिस डिस्टेंस पी क्यू। तो आप सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे। तो डिस्टेंस पी क्यू इज गिवन बाय पॉइंट्स क्या क्या है, 2, -1 एंड 2, और उधर से आप उसको देख लो, -1, -5 एंड -10। तो इनका डिस्टेंस जब आप निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर -1 प्लस 5 4 स्क्वायर -4 का स्क्वायर, देन 2 प्लस 10 12 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई दिस, तो दिस विल बी द आंसर। 13 यूनिट्स जो है वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस, यानी कि दोनों जो हमें पॉइंट्स गिवन है उनका जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज गिवन टू बी 13 यूनिट। तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, वो कोऑर्डिनेट्स प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा पुट करके आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और प्लेन का, एंड देन यू आर टू फाइंड दिस। This was your question number 18. Now moving on to question number 19. Find the vector equation of the line passing through the point 1, 2 and 3. Line vector equation निकालनी है line की,
जो 0.123 से पास कर रही है एंड पैरेलल टू द प्लेन्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू 5 एंड आर डॉट 3 i कैप प्लस j कैप प्लस k इक्वल टू 6। अब देखो लाइन जो है दे आर सेइंग कि लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। तो जब ये लाइन हम लेके चलेंगे कि ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो इट मींस कि लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन। ये हमारा प्लेन है, प्लेन का ये नॉर्मल हो गया। उसने क्या कहा, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। तो लाइन पैरेलल टू प्लेन मींस जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब इट मींस क्या है, अब लाइन जो है वो हमें दो प्लेन्स के पैरेलल गिवन है। तो इट मींस जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द नॉर्मल्स, दोनों जो हमें प्लेन्स गिवन है उनके नॉर्मल्स के वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो लाइन क्योंकि दोनों नॉर्मल्स के जो है आप कह सकते हो कि दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है व्हेनेवर वी आर टू फाइंड आउट सच अ लाइन और सच अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द अदर टू, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अब इस केस में हमें क्या गिवन है, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 and 3। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइन की जो इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स है। लेट दिस बी लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू सम वेक्टर बी, तो लाइन की जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। लाइन की इक्वेशन जो है वो ये होगी, ए से पास कर रही है बी के पैरेलल होगी। अब बी के जो है मुझे क्या निकालने हैं, आई हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी, या आई हैव टू फाइंड आउट यू कैन से वेक्टर बी। ए मुझे गिवन है, अब बी के लिए क्या कंडीशन गिवन है कि बी जो है दैट इज अ वेक्टर सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन, ये दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी मुझे दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर निकालना है इट मींस आई विल फाइंड आउट देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट जो है दैट विल बी आई कैप जे कैप के कैप, और दो प्लेन्स जो है मुझे वो क्या क्या गिवन है, आर डॉट आई माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये मुझे फर्स्ट प्लेन गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू 5, सेकेंड प्लेन गिवन है आर डॉट 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6। अब नॉर्मल्स इनके कौन कौन से हैं, दिस वन ये n1 हो गया एंड दिस टू इज n2, तो इसके डायरेक्शन रेशियो 1, -1 and 2 और इसके डायरेक्शन रेशियो 3, 1 and 1। तो यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, मेरे पास वेक्टर बी आ जाएगा, वेक्टर ए मेरे पास है, इसमें हम ए पुट करेंगे, इसमें हम बी पुट करेंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू वाली फॉर्म है, तो दैट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, जो आपका डिटर्मिनेंट वाला मेथड था यू विल यूज दैट एंड यू विल फाइंड आउट दिस वेक्टर बी, क्योंकि ये बी जो है प्लेन्स के पैरेलल है। लाइन जो है जब वो प्लेन के पैरेलल आपको गिवन है तो इट मींस प्लेन का जो नॉर्मल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो अगर ये एक प्लेन गिवन है इस तरीके से, दूसरा प्लेन समहाउ लाइक यहाँ अगर गिवन है तो इसका भी जो नॉर्मल है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका मैं यहाँ शो कर देती हूँ कि ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये दोनों क्योंकि आपको गिवन है परपेंडिकुलर है, इट मींस लाइन जो है वो उसके दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर है। लाइन दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर है इट मींस कि हम जो है उसका लाइन का जो है अगर हमें इक्वेशन निकालनी है यू कैन से, या लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर हमें निकालना है, तो दैट विल बी गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द दीज नॉर्मल्स। तो दिस इज योर question number 19 which you will complete yourself. Now moving on to question number 20. Question number 20 is also a simple one.
हमें गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4। लाइन जो है वो 1, 2, -4 पॉइंट से पास कर रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। पिछले क्वेश्चन में क्या था, लाइन प्लेन्स के पैरेलल थी तो नॉर्मल्स के अपने आप परपेंडिकुलर हो गई थी। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ हमें वो कह रहा है कि जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है दैट इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस, तो दो लाइंस के वो परपेंडिकुलर है। सेम वे में आपने करना है कि आई जे के ले लोगे, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो जिसके वो परपेंडिकुलर है, डिनोमिनेटर वाले यू नो कि वो आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो दैट इज 3, -16 एंड 7, a1 b1 c1 ले लोगे आप। देन सेकेंड लाइन आपकी गिवन है x-x1 वाली फॉर्म में ही है वो, तो 3, 8 एंड -5 विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकेंड लाइन। तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स इज गिवन बाय देयर डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वाले के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट आर 3, -16 एंड 7 एंड सेकेंड वाले के हैं 3, 8 एंड -5। तो सेम वे में आपने क्या करना है, आपके पास ये लाइन बी जो है ऐसा वेक्टर आ जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज टू लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज मुझे ये गिवन है। अब ये जो है क्योंकि परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के, तो इट मींस दिस विल बी पैरेलल टू द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो मुझे चाहिए, उस लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा ये लाइन का जिस पॉइंट से पास कर रही है वो आपको गिवन है। तो जो आपका वेक्टर यहाँ से आएगा दैट विल बी योर वेक्टर बी, ये आपको देगा वेक्टर ए जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो लाइन की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी दैट विल बी गिवन बाय ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ए ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, बी हमारे पास इससे आएगा। तो ध्यान रखना है जब आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट और लाइन या तो प्लेन्स के पैरेलल गिवन है या दो लाइंस के परपेंडिकुलर गिवन है, तो आपने ये वाला मेथड यूज करना है। प्लेन्स के अगर वो पैरेलल है तो इट मींस उसके नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी, अगर सिंपली लाइंस के परपेंडिकुलर गिवन है देन ये थ्री लाइंस आपकी इस वे में होंगी, तो आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड यूज करना है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेक्ट ए बी एंड सी। अब यहाँ पे क्या है, मुझे देखो गिवन है एक प्लेन जिसके इंटरसेप्ट ए बी एंड सी गिवन है, यानी कि उसका एक्स इंटरसेप्ट इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी एंड जेड इंटरसेप्ट इज सी एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। कि प्लेन जो है दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट मुझे गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन। Then, जो आगे मुझे कंडीशन है दैट आई हैव टू प्रूव, यानी कि अब मुझे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे प्लेन के इंटरसेप्ट गिवन है। जब मुझे प्लेन के इंटरसेप्ट गिवन है एक्स वाई एंड जेड, तो आई कैन इजिली राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाई यूजिंग द कंसेप्ट एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट गिवन है ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 21। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी आपकी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट ए बी एंड सी विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब क्या कह रहा है वो कि जो प्लेन है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मुझे पी दी, तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज गिवन टू बी पी और हमें प्रूव करना है 1 अपॉन a² + 1 अपॉन b² + 1 अपॉन c² = p²। सो पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूंगी, प्लस 1 है राइट हैंड साइड पे, -1 = 0। अब इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस हमें फॉर्मूला पता है ax1 + by1 + cz1 + d upon their magnitude, तो ओरिजिन से डिस्टेंस है तो एक्स वाई जेड 0 0 पुट कर दोगे, तो 0 by a 0 by b 0 by c -1 as it is upon में इनके मैग्नीट्यूड। अब ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू पी, तो ये मुझे पी के इक्वल गिवन है, मैंने इसको
इक्वेट कर दिया पी के। अब क्या करना है हमने यहाँ पे, हमें जो है उसने कहा कि हमें प्रूव करना है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू जो है मुझे जीरो प्रूव करना है, इक्वल टू मुझे 1 अपॉन p स्क्वायर प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू मूव। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से रूट का साइन जो है वो हटाना पड़ेगा। तो रूट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने कर दी, मॉड्यूलस का साइन हटा के इक्वल टू में जो आपका प्लस माइनस पी था वो पी स्क्वायर हो जाएगा। चाहे आप प्लस पी ले रहे हो चाहे आप माइनस पी ले रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इक्वल टू मॉड्यूलस हटाने पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है। तो ये मेरा बन गया 1 अपॉन 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर प्लस 1 बाई c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है इसको मैं उधर ले जाऊंगी और p स्क्वायर को इधर ले जाऊंगी। तो ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना था। हमने इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर दी, ये 1 as it is रहा, p स्क्वायर अपॉन में आ गया और 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर प्लस 1 बाई c स्क्वायर यहाँ न्यूमरेटर में आ गया। सो दीज टू रिजल्ट्स आर इक्वल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 21। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आपने ध्यान से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 वैसे आपका होमवर्क पार्ट था बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग। क्वेश्चन 22 में हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। अब अगर आप इनको देखो तो जो प्लेन्स हैं हमारे उनके लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड वाले प्लेन में से इफ यू सी, तो आप अगर 2 कॉमन ले लेते हो तो दैट इज अगेन रिप्रेजेंटिंग 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो क्योंकि दोनों प्लेन्स अब आपके आपस में हो गए पैरेलल, और पैरेलल के लिए आपको पता है यू नो b1 माइनस b2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्योंकि आपको दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। तो दिस वाज योर 22nd क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यू विल फाइंड आउट द आंसर। d1 और d2 क्या है इसमें, दीज आर द डिस्टेंसेज। फर्स्ट वाले के लिए दिस इज गिवन टू बी 4 एंड द सेकेंड वन के लिए दिस इज गिवन टू बी 12। तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिवन है द प्लेन्स, हमें चेक करना है वेदर दीज आर परपेंडिकुलर, वेदर दीज आर पैरेलल, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और पासिस थ्रू 0, 0 एंड 5/4। प्लेन्स परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा। प्लेन्स विल बी पैरेलल इफ देयर जो कह सकते हो आप डायरेक्शन रेशियोज का प्रोपोर्शन सेम आ रहा है। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई आ रही है। फर्स्ट वाली जो है उसको चेक करोगे डायरेक्शन रेशियोज का, जो आपका डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हो आप डायरेक्शन रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का जो आप प्रोडक्ट लेके चलोगे उनका सम जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन जब आप इनके जो है डायरेक्शन रेशियोज की प्रोपोर्शनैलिटी चेक करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो बोथ ऑफ द प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ऑप्शन डी जो है दैट विल बी दिस आंसर। सो विद दिस योर दिस चैप्टर जो प्लेन्स है 3D दैट वन इज ओवर। इसमें से आपको मैंने सेंड कर दिया है इवन इफ वी हैव डन दैट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और बिटवीन टू लाइंस और लाइन एंड प्लेन, दैट पार्ट इज डिलीटेड फॉर योर दिस CBSE एग्जाम। तो वो आपने नहीं प्रिपेयर करना है उस टॉपिक को छोड़ के, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके दैट यू आर टू प्रिपेयर। उसके बाद अब सेकेंड पीरियड है हमारा, इन दैट वी विल स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन। यहाँ अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज एज द बेल हैज गॉन सो आई एम जस्ट एंडिंग द मीटिंग। एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क फॉर 9th B स्टूडेंट। बच्चे यू विल रीजॉइन द मीटिंग प्लस 2। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।